श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे निमोनिया के बारे में कि निमोनिया क्या है, उसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, उपचार क्या है और साथ में हम आपको बताएंगे घरेलू नुस्खे। किसी एक बीमारी से हमारे देश में इतनी मौतें नहीं होती हैं जितनी निमोनिया से होती है। निमोनिया से बचाव और इसका इलाज बेहद सुगम है लेकिन अक्सर लोगों के पास इसके जुड़ी जानकारी नहीं होती। मैं आपको निमोनिया के बारे में पहले बता देता हूं कि निमोनिया क्या है। निमोनिया मुख्यतः फेफड़ों का संक्रमण होता है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस सांस के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच सकता है। कई बार फफूंद की वजह से फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी बीमारी जैसे फेफड़े के रोग, हृदय रोग से पीड़ित है उन्हें गंभीर संक्रमण यानी गंभीर निमोनिया होने का खतरा रहता है। निमोनिया में जब एक या दोनों फेफड़े में तरल पदार्थ भर जाता है तो फेफड़े को ऑक्सीजन लेने में कठिनाई होने लगती है। बैक्टीरिया से होने वाला निमोनिया 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है जबकि वायरस में होने वाला निमोनिया को ठीक होने में अधिक समय लगता है। निमोनिया के जो लक्षण है वो मैं आपको बता देता हूं। छोटे या नवजात बच्चों में कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देता है। बच्चे देखने में बीमार लगे तो उन्हें निमोनिया हो सकता है। सर्दी, हाई फीवर, कफ, कंपकपी, शरीर में दर्द, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। इसके कारण मैं आपको बताता हूं। निमोनिया होने का मुख्य वजह सर्दी को माना जाता है लेकिन स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार निमोनिया होने के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। इसके अतिरिक्त कुछ रसायनों और फेफड़ों में लगी चोट के कारण भी निमोनिया होता है। अभी निमोनिया से बचाव और रोकथाम बहुत जरूरी है, वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगा। रोगी को एक स्वच्छ कमरे में रखें। इस बात का ध्यान रखें कि रोगी के कमरे में सूर्य का प्रकाश अवश्य आए, खासकर शरीर, खासकर छाती, पैरों को गर्म रखने के लिए कमरे को गर्म रखें तथा रोगी को अच्छी तरह से ढके। सीने में दर्द और बेचैनी से राहत पाने के लिए 1 चम्मच लहसुन का रस ले सकते हैं। तुलसी भी निमोनिया में बहुत उपयोगी है। तुलसी के कुछ ताजे पत्तों का रस लेकर उसमें काली मिर्च पीस कर मिला लीजिए और यह रस हर 6 घंटे के अंतराल पर दीजिए। अधिकांश निमोनिया का इलाज डॉक्टर की देखरेख में बिना अस्पताल में दाखिल हुए हो सकता है। खास तौर पर या आमतौर पर जो मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं, आराम, तरल पेय पदार्थ और घर पर देखभाल से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ आप पा सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा घरेलू उपचार कि निमोनिया को आप कैसे ठीक कर सकते हैं घरेलू नुस्खे से। निमोनिया एक खतरनाक बीमारी और अगर उसे तुरंत न लड़ा जाए तो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। निमोनिया फेफड़ों में असाधारण तौर पर सूजन आने के कारण होता है, यह मैं आपको बता चुका हूं। अभी हम आते हैं उसके उपचार पे। सबसे पहला उपचार है लहसुन। लहसुन कुदरती तौर से बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखता है, यह वायरस और फंगस से भी शरीर की रक्षा करता है। लहसुन में शरीर का तापमान कम करने और छाती और फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने की क्षमता होती है। अब इसका उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। 1 कप दूध में 4 कप पानी डालिए और इसमें 1/2 चम्मच पीसा हुआ लहसुन डाल दीजिए। इसे तब तक उबालें जब तक मिश्रण का 1/4 न रह जाए। इस मिश्रण को 3 में 3 बार पिएं। पीसे हुए लहसुन की कलियों को पीसे हुए कलियों के कलियों में समान मात्रा में ताजा नींबू का रस और शहद मिला लें। दिन में 3-4 बार 2 से 3 चम्मच का मिश्रण सेवन करें। छाती पर लहसुन का रस या पेस्ट मलने से भी आराम मिलता है। अदरक की चाय पीने से भी आपको फायदा होगा। फिर है लाल मिर्च। लाल मिर्च में उच्च मात्रा में कैप्सासीन होता है जो श्वसन मार्ग से बलगम को हटाने में मदद करता है। लाल मिर्च बीटा कैरोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है जो कफ की झिल्ली को सुरक्षित रखता है। अभी इसका उपयोग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। करीब 250 मिलीलीटर पानी में थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर दिन में कुछ दफा इसकी सेवन कीजिए। आप गाजर के जूस में भी लाल मिर्च डालकर पी सकते हैं। ये दोनों ही तत्व निमोनिया के इलाज के लिए मददगार होता है।
मेथी का बीज, मेथी के बीज म्यूकोलिटिक गुण होते हैं उसके अंदर, मेथी के बीज में, जो छाती में जमने वाली बलगम को पतला करने में मदद करते हैं। इसलिए मेथी का सेवन करने से बंद छाती खुल जाती है। मेथी के सेवन से पसीना आता है जिससे बुखार कम होता है और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। इसका उपयोग कैसे करना मैं आपको बता देता हूं। 2 कप पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने डालकर उसकी चाय बना लीजिए। इस चाय को छानकर दिन में 4 बार पिए। स्वाद में इजाफा करने के लिए इसमें आप नींबू का रस मिला सकते हैं। जैसे जैसे आपको अपनी सेहत में सुधार दिखने लगे आप इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। 1 कप पानी में मेथी के दाने, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 लहसुन की कली पीसी हुई और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर 5 मिनट तक उबालिए। इसे छान लें और फिर इसमें 1/2 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। दिन में 3-4 बार इसका सेवन कीजिए, आपको आराम मिलेगा। फिर तिल के बीज से भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। तिल कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके लिए आप 1 कप पानी में 1 चम्मच तिल को उबालें। अब इसमें 1 चम्मच अलसी के बीज डाल दें और पानी को यूं ही उबलने दें। फिर इसे छान कर 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा नमक मिला लें। इस मिश्रण का आप रोजाना सेवन करें। आप इसमें सब्जियों का जूस ज्यादा पीजिए। गाजर का ताजा जूस, पालक का रस, चुकंदर का जूस, खीरे का जूस और अन्य सब्जियों के जूस हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और निमोनिया के दौरान इसके लाभ बढ़ जाते हैं। इनसे इम्यूनिटी बढ़ती है, कफ कम होता है और शरीर से विषैले पदार्थ कम होते हैं। इनमें फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है और साथ ही पचने में भी आसान होता है। इसके लिए आप जो सबसे उपयुक्त है मैं आपको बता देता हूं, पालक और गाजर के जूस को 2:3 में मिलाकर 1/2 लीटर जूस बना लीजिए। रोज इसका सेवन कीजिए। आप चाहें तो रोजाना 1 कप चुकंदर के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। फिर आपको भाप लेना है, स्टीम। भाप लेने से संक्रमण कम होता है और साथ ही आपकी सांस लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। भाप से खांसी कम होती है और छाती की अकड़न कम होती है। इसके लिए 1 बर्तन में थोड़ा सा पानी उबाल लीजिए और उसमें नीलगिरी, लेवेंडर, टी ट्री, नींबू या कपूर के तेल के कुछ बूंदे मिला लीजिए। इस मिश्रण का भाप लीजिए। स्टीम लेते समय सर को आप ढक कर रखिए ताकि वो हवा बनकर उड़ न जाए। गर्म पानी की शावर लेना भी फायदेमंद होता है। फिर आप हल्दी से फायदा पहुंचा सकता है निमोनिया में। हल्दी भी सांस की तकलीफ के लिए मददगार होती है, यह कफ को कम करती है। इसके साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। अभी हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुनगुने सरसों के तेल में हल्दी का पाउडर मिलाएं, इससे आपकी छाती पर मसाज कीजिए। दिन में 2-3 बार गर्म दूध में हल्दी पाउडर डालकर उसे सेवन कीजिए। 1/2 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच काली मिर्च के पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला लीजिए और दिन में 1 बार इसका सेवन कीजिए। फिर आप तुलसी और काली मिर्च से भी आप अपनी निमोनिया को ठीक कर सकते हैं। ये दोनों ही तत्व, तुलसी और काली मिर्च, हमारे फेफड़ों के लिए फायदेमंद होते हैं और ये कुदरती रूप से निमोनिया को दूर करने में मददगार होते हैं। अभी इसका उपयोग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। तुलसी के पत्ते का रस लेकर उसमें ताजी पीसी काली मिर्च मिलाइए और हर 6 घंटे बाद इसका सेवन कीजिए। आपका जो निमोनिया है 100% ठीक होगा। इसके साथ ही खांसी की कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें। खांसी कई मायने में आपके लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि यह शरीर से कफ को बाहर निकालती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, बिना डॉक्टर के सलाह के आपको, मतलब खांसी की दवा बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिएगा। तो ये हमने आपको बताया कि निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, उसका निवारण क्या होता है। आपको इस तरह की किसी चीज की जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर आप कमेंट कर दीजिए। तो अगर उस चीज की मुझे जानकारी होगी तो मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि वो जानकारी आप तक पहुंचा दूं वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे बेशक लाइक कीजिएगा। और मैं चाहूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।